तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं कि जैसे जो नए यूट्यूबर उनको लगता होगा कि हम कभी नए बड़े यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं, यूट्यूब किसी के साथ अच्छा करता है, बड़े यूट्यूबर का वीडियो ज़्यादा सेशन में जाता है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो आप बना रहे हैं और उस पर पब्लिक रुक रही है, समझ रहे हैं ना आप, तो वीडियो आपकी सजेशन पे जाती है लोगों के पास, आपका छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो। अगर मान लीजिए आपने 2 मिनट का वीडियो बनाया है और 1.5 मिनट उस पर आप का वीडियो जो देख रहा है वो टाइम देख रहा दे रहा है बिना स्किप किए हुए, वीडियो पे नॉलेजिबल अगर कोई चीज़ है तो उस पर लोग रुकेंगे अगर, तो वीडियो यूट्यूब पे कोई किसी का रिश्तेदार नहीं बैठा है, समझ रहे हो ना आप। आप देख लीजिए कोई बहुत कोई कोई बड़े चैनल हैं मगर उन्होंने अगर कोई चैनल शुरू किया अभी नया तो उनका भी मिलियंस ऑफ व्यू 10 दिन 6 महीने पे नहीं आ जाता है, उनको भी वर्क करना पड़ता है जीरो से लगा के, आज मिलियन पे पहुंच गए तो क्या हुआ, समझ रहे हो ना बात को। इसलिए यूट्यूब किसी के साथ अच्छा बुरा व्यवहार नहीं करता है, काम के साथ वो करता है। अगर काम आपका अच्छा है तो सजेशन पे वीडियो वो डालता ही डालता है। आपको आज हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, ये जो मेरा चैनल है प्रदीप कानपुर, इतना बड़ा चैनल नहीं है अभी मगर वर्क हम कर रहे हैं। अब देखिए एक वीडियो मेरा, आप देखिए किस तरीके से वीडियो सजेशन पे जाता है लोगों के, यूट्यूब भेजता है, उसको बड़े छोटे चैनल से मतलब नहीं है। अगर पब्लिक रुक रही है आपकी वीडियो पे तो यूट्यूब जो है आपकी वीडियो पे आपकी वीडियो को सजेशन पे ज़रूर डालता है, लोगों के पास नोटिफिकेशन अपने आप जाता है यूट्यूब पे, है ना। तो आप देखिए मेरा ये YT स्टूडियो है, इस पर हम क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं, इस चैनल पर कोई भी छिपी हुई चीज़ नहीं है ना, जो है साफ सब आपके सामने रहेगा। आप ये चेक करिए, मेरा देख लीजिए 11 सब्सक्राइबर हैं सिर्फ, है ना। और आपका जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं एक, जो अभी मेरे सारे वीडियो से ज़्यादा YouTube पे वायरल हो रहा है, ये देखिए हाउ टू कनेक्ट रेडमी मोबाइल टू LG TV, मोबाइल से TV कनेक्ट कैसे करें, है ना। ये वीडियो आज 2 महीने हो गए डाले हुए और इस पे देखिए 238 व्यू हो गए हैं। अब ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, क्योंकि इस पे पब्लिक समय दे रही है। अब इस पे इस वीडियो के जो गो टू वीडियो एनालिटिक्स पे जाएंगे हम, उसको आपको दिखाएंगे कि वीडियो सजेशन पे जाता है कि नहीं जाता है, है ना। ये देखिए 245 व्यू। अब इसके हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, रीच पे, मतलब कि कितने लोगों के पास वीडियो ये पहुँचा रहा है यूट्यूब, ये देखिए रीच, इस पर क्लिक किया। आप देखिए इस पर क्या लिखा है, इम्प्रेशन, मतलब कि 1500 लोगों के पास वीडियो ये भेजा गया है, यूट्यूब ने भेजा है, समझिए आपको, समझिए आप, जब 1500 लोगों के पास भेजा गया वीडियो तब इतने लोगों ने उसको व्यूज़, इतने मेरे व्यूज़ आए। तो ये जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे किसी का रिश्तेदार नहीं बैठा है दोस्तों। अगर आप काम करेंगे और लोगों को वो पसंद आएगा तो यूट्यूब ज़रूर आपके चैनल को ग्रो करेगा, इसलिए काम पे आप ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कोई भी बड़ा चैनल है उन्होंने जीरो से शुरुआत की है ना दोस्तों। इम्प्रेशन देखिए 12%, जो 12% है ना, ये कोई भी बड़े चैनल आप खोल के देख लीजिए, बड़े यूट्यूबर को देख लीजिए, वो खुद ये बताता है कि अगर आपका 10% क्लिक थ्रू रेट है तो आपका चैनल बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वीडियो वो ग्रो कर रहा है। अब ये देखिए ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है, तो सजेशन पे देखिए जो वीडियो खुद यूट्यूब दे रहा है तो 69.1%, एक प्रकार से मान लीजिए 70% जो सजेशन पे जा रही है, यूट्यूब खुद सजेस्ट लोगों को कर रहा है कि इस वीडियो को देखिए, 70% आप समझ लीजिए, और यूट्यूब से सर्च करके 23% लोग आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से YouTube पे काम होता है। अगर इससे और रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको, YT स्टूडियो किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइए। ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिए सोचना कि सिर्फ बड़े चैनल वालों का व्यूज़ आ सकता है, छोटे चैनल वालों का नहीं आएगा। कोई भी बड़ा चैनल हो उसके पास इकट्ठा कहीं से नहीं आ गया व्यूज़, उसने भी कभी ना कभी शुरुआत की थी। इसलिए आप भी अगर आपका चैनल है तो उस पर काम करते रहिए ईमानदारी से, और अगर आपका चैनल नहीं है तो चैनल तुरंत बना लीजिए। अगर आप लोगों भी कहेंगे तो कमेंट में बता देना, उस पर वीडियो आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए, हम आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।